मैं इसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ही यूज करूंगा, सारी वही स्टेप्स करूंगा जो कि मैंने यहां पे किए थे, बताने के लिए कि ये जो हम अगर एक कंसिस्टेंट अपनी वो बना लेना कि मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक मेंटली एक टेम्पलेट बनाया हुआ दिमाग में कि मैं पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं उसको रिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं उसको आइसोलेट करूंगा, तो इट हेल्प्स आपको पता होना स्टेप बाय स्टेप के क्या हो रहा है और क्या करना है, तो आपको मुश्किल नहीं आती। मैंने इसमें जो चीजें की हैं, जो स्टेप्स की हैं, वही सेम चीज मैं कर, मैं कोई और चीज नहीं कर रहा, फॉर टू रीजंस। नंबर वन, आप लोग कंफ्यूज ना हो, और नंबर टू, आपको बताने के लिए कि दिस इज दिस दीज स्टेप्स वर्क्स फॉर एवरीवन, चाहे वो सेल्फी हो, चाहे वो, हाँ एक जगह पे नहीं हो सकता। अगर मैंने इसकी आंखें सेलेक्ट करनी होती, फिर जो मैं मेथड कर रहा हूँ वो नहीं चलेगा। बस मेरा मेथड किस काम के लिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, और फोरग्राउंड का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको सिलेक्ट करने के लिए। सो लेट्स डू दिस विद दिस टॉप। मैं पहले कैनवस साइज देख लूँ, ताकि अगर बहुत बड़ा है तो मैं तो थोड़ा सा छोटा कर लूँ। 1800 बाय 1200, ठीक है, नॉट दैट बिग, तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मेरी एक्सरसाइज ये थी कि मैंने टूल्स को टेबल पे रखना, बैकग्राउंड चेंज करनी थी। यहाँ पे आइसोलेट कर रहा हूँ मैं डॉग को बैकग्राउंड से, नंबर वन। नंबर टू, बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा या फिर डॉग ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा, ठीक है ना। अपने दो स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप क्या होगा, इस डॉग और इस बैकग्राउंड के बीच में मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा, सिंपल टेक्स्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट फोटोशॉप, बस ये लिख दूंगा। तो देखते हैं तीन स्टेप्स में किस तरह से कर सकता हूँ। दोबारा रिपीट करता हूँ, इस डॉग को निकालना है नंबर वन, नंबर टू बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट करना है या फिर डॉग को ब्लैक एंड व्हाइट करना है, जो भी बेहतर लगे। स्टेप दो स्टेप्स हो गए, तीसरा स्टेप डॉग और बैकग्राउंड के बीच में, यानी कि इमेजिन करें कि ये रियल लाइफ डॉग है, इन दोनों के बीच में कोई टेक्स्ट होना चाहिए, यानी हम थ्री डायमेंशन में खेल रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। स्टेप नंबर वन, सब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है, तो जस्ट सेलेक्ट दिस सब्जेक्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप देख सकते हैं कि उसने सेलेक्ट कर लिया है, विच इज अ वेरी गुड सिलेक्शन। और ये सिलेक्शन अगर मैं मैनुअल करना शुरू करता तो आप इसमें तकरीबन 5-10 मिनट तो कहीं नहीं गए। तो पहला इम्प्रूवमेंट हमें नजर आ गई है। अब मैं ब्लेंडिंग पार्ट्स देखूंगा, जहां पे मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि जहां पे ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंडिंग पार्ट या ट्रांजिशन पार्ट वो होते हैं जो कि बैकग्राउंड के साथ मैच, हमारा सब्जेक्ट बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर रहा हूं। यहां पे मैंने कहा था कि थोड़ा सा मर्ज कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लेसर टूल करूंगा, मैनुअल वाला सब्जेक्ट करूंगा। लेट्स सी कि मैं ये पार्ट का सिलेक्ट माइनस करता हूँ, तो उसने वो माइनस कर दिया। ये माइनस मैंने क्यों किया है, एक आउट ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि जो ब्लेंडिंग पार्ट मर्ज कर रहा हो ना, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट पार्ट मर्ज कर रहा हो हमारे बैकग्राउंड से, तो वो सिलेक्शन जो अगला स्टेप जो मैं करने जाऊंगा वो उसमें मसला देता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पार्ट छोड़ रहा हूँ इसकी टेल का और आगे देखता हूँ। ये शेडो आ गया, ये शेडो रिमूव करना है, तो लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस पार्ट एंड माइनस इट, माइनस हो गया, यहाँ तक सही जा रहा है। ये पार्ट निकल गया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, आई वुड ऐड, अच्छा ऑल्ट माइनस होता है तो शिफ्ट प्लस होता है, ये आप लोग याद कर लें। मैंने बताया था ऑल्ट माइनस होता है और शिफ्ट जो होता है वो प्लस होता है। प्लस का मतलब क्या है कि सिलेक्शन ऐड होगी। मैंने अगर ये पार्ट ऐड करना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो वो ऐड करेगा, और अगर मैं ऑल्ट दबा के करूंगा तो वो ये चीज माइनस कर देगा। तो ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं, शिफ्ट एंड ऑल्ट, शिफ्ट एंड ऑल्ट, सिलेक्शन के टाइम पे इनका हाथ होना चाहिए। आप लोग रीजॉइन कर लें, क्लास खत्म होने वाली है, एक मिनट से काम रह गया है। तो अच्छा सेलेक्ट कर रहे थे हम, और जो अनवांटेड पार्ट था उसको हम माइनस कर रहे हैं, और जो वांटेड पार्ट है उसको हम ऐड कर रहे हैं। शिफ्ट दबा के ऐड करते हैं और
ऑल्ट दबा के माइनस करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. ये हमें चाहिए पार्ट. मूविंग ऑन. काफी ज्यादा शेडो सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव किया और यहां से रिमूव किया. ठीक है, यहां से ठीक जा रहा है. ये पार्ट मुझे चाहिए तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और इसको सेलेक्ट कर दूंगा. ये पार्ट भी मिल गया. सिलेक्शन एक बहुत पेशेंस का काम है. जितना पेशेंस शो करके आप सिलेक्शन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट नजर आएगा. और ये मैंने माइनस करना था, सॉरी, ऑल्ट दबाऊंगा. बल्कि वो दबाव है, इस पार्ट को मैं माइनस कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा ब्लेंड हो रहा है. ये पार्ट ब्लेंड हो रहा है और ये पार्ट ब्लेंड हो रहा है. इसको माइनस किया, इसको माइनस किया और ठीक है. फिलहाल के लिए इतना ही है, इसमें हम इतना टाइम जाया नहीं करते. शिफ्ट और इसको सेट कर देते हैं. एनीवेज, ये हमारा डॉग है. क्यू दबाऊंगा तो मुझे नजर आएगा ये कैसा नजर आ रहा है. फिलहाल के लिए ठीक है, नॉट दैट बैड. बट हमने इसको थोड़ा सा रिफाइन करना है. एज ऑलवेज, हमें जब भी सिलेक्शन करनी है हमने इसको रिफाइन करना है. एक तो रिफाइन हमने कर दिया है. ऊपर जो नजर आ रहा है आपको, सिलेक्ट एंड मास्क, इस टूल के लिए हमने इसको रिफाइन किया. जो मैंने कहा था ना, ट्रांजिशंस नहीं चाहिए मुझे ब्लेंड हुई हुई, वो इस ताकि ये वाला जो अगला काम है ये आसान हो सके. तो देखते हैं ये क्या चीज है. सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करें, एक नया वर्क स्पेस खुलेगा और विच इज अ बिट स्लो, लेकिन लेट्स वेट. आपका वर्क स्पेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसको क्लिक करने के बाद और वो टोटली सिलेक्शन की बेस पे आपका आ जाएगा. यानी सिलेक्शन के जो टूल्स हैं वो आपके लेफ्ट राइट पे आ जाएंगे. इसको हम देखते हैं अभी कि वो क्या चीज है. ठीक है, ये खुल गया. लेफ्ट साइड पे देखते हैं, वी हैव अ ब्रश, वी हैव अ रिफाइंड ब्रश, वी हैव अ सिंपल ब्रश, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वाली चीजें, लेसर टूल, हैंड एंड मैग्नीफाइंग. ये वो टूल्स हैं जो कि लेफ्ट और फोटोशॉप के नॉर्मल विंडो में भी होते हैं. राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, फिर हम देखते हैं वो क्या है. ये चीज से आप फेमिलियर हो चुके हैं. ये इसका शॉर्टकट क्यू होता है नॉर्मल विंडो पे, लेकिन यहाँ पे वी है. और ये मार्चिंग एंड्स शो करता है. ये बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क कर देता है, ये वाइट कर देता है, ये टोटल मास्क को ब्लैक एंड वाइट कर देता है और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, और बैकग्राउंड टोटली ट्रांसपेरेंट हो गई है. हम यूज करेंगे फिलहाल के लिए ये ट्रांसपेरेंसी वाला, जिसको हम अनियन स्किन कहते हैं. ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, फुल ले जाऊंगा तो ये मेरी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो गई है. मैं इसको लेट्स से 30% तक, सही है. यहाँ पे एक आता है स्मार्ट रेडियस. स्मार्ट रेडियस मोस्टली यूज होता है जब हमने कोई थिन एज, जो जहां पे हमें यहाँ नजर आ रहा है, थिन एजेस ये सिलेक्ट करने हो, तो उसमें स्मार्ट रेडियस क्या होता है, जो फोटोशॉप है वो डिटेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ पे एजेस आ रही हैं. एज इन बाल जो हैं उसको डिटेक्ट करना अगर है, जो स्मार्ट रेडियस है वो क्या करेगा, बैकग्राउंड और जो फ्रंट पे हमारा सब्जेक्ट है उस पे जो बाल हैं, ऑब्वियसली बाल जो होते हैं उनके एजेस होती हैं, वो एजेस डिटेक्ट करेगा, उनको आइसोलेट करेगा, सिलेक्शन कर देगा. और इतना अकलमंद है कि वो बालों को बैकग्राउंड से डिटेक्ट करके सेपरेट कर सकता है. तो यही टूल हमने यूज करना था और स्मार्ट रेडियस पे क्लिक करना है. रेडियस हम दे देते हैं थोड़ा सा 3 पिक्सल से स्टार्ट करते हैं. ब्रश साइज मेरा ये सिलेक्ट हुआ है छोटा सा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इतना काफी है. और यहाँ से रिफाइन जो होगा एज, रिफाइन एज
जैसे आप नाम देख रहे हैं एज को रिफाइन करता है, रिफाइन एज ब्रश टूल सेट किया है। इसका ब्रश साइज छोटा है, इसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। अगेन राइट ब्रैकेट क्लिक करता हूँ तो वो बड़ा हो जाता है। अब मैं इसकी टेल पे, ये बहुत लेंथी काम होता है प्रिसाइज काम के लिए, प्रिसाइज सिलेक्शन के लिए, अपने एजेस जो है ना इस पे ब्रश फेरना है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर ब्रशेस सेट कर देगा और यहां से खुद ब खुद वो सिलेक्ट करेगा ब्रशेस एजेस को। और यहाँ जहाँ पे हमने ब्लेंडिंग के लिए अंदर किया था ना, अनसेलेक्ट किया था चीजें, वो इस टूल की मदद से वहां पे बाल और बैकग्राउंड आइसोलेट हो रही हैं। तो जब हम इसको फाइनल कट देंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा बना है। सिर्फ क्या कर रहा हूँ मैं, रेडियस या स्मार्ट रेडियस रिफाइन ब्रश टूल सेलेक्ट किया है और जो जो एजेस मुझे लग रहे हैं जहाँ पे इसके बाल आने चाहिए वहां पे मैं ये ब्रश को हल्का सा ओवरले दे रहा हूँ इसका, और बाकी काम मैं स्मार्ट रेडियस पे छोड़ रहा हूँ कि वो एजेस डिटेक्ट कर लेगा और जो बाल हैं अगर कहीं छूट रहे हैं तो वो पकड़ लेगा उसको और सिलेक्शन में डाल देगा। एंड रिजल्ट काफी स्मूथ होगा और वही हम चाह रहे हैं कि स्मूथ रिजल्ट आए, हमारे डॉग में ग्लिचेस ना आए आइसोलेशन के बाद। आपने देखा कि उसके बाल जो मिसिंग हुए थे, यहाँ पे भी बाल मिसिंग है, आप देख सकते हैं कि बाल मिसिंग है। जैसे मैं ब्रश फेरूंगा तो सारे के सारे बाल से आ जाएंगे। तो मेरा काम है सिर्फ फोटोशॉप को गाइड करना, बाकी काम वो खुद संभाल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने क्लियर कट उसके बाल आए हैं, होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये बाल, ये मैनुअल सिलेक्शन में कभी भी नहीं आ सकते। तो यहीं से नजर आता है कि फोटोशॉप की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमसे कई गुना आगे निकल चुकी हुई है। ऑल वी हैव टू डू इज गाइड फोटोशॉप, बाकी सारा काम फोटोशॉप करता है। तो होपफुली हमारी सिलेक्शन अच्छी हो गई है। अगेन मैं इस पर जितना टाइम दूंगा ना उतना परफेक्ट होता रहेगा ये, बट सिंस दिस इज अ क्लास मैं इस पर इतना टाइम नहीं देना चाहता, जस्ट बिकॉज आइडिया आपको बताना था, आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी, ये पे कोई मसला आता है एज ऑलवेज व्हाट्सएप करें पिक्चर सेंड करके। और फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक हमारी सिलेक्शन काफी हद तक कामयाब हो गई है, जो मिसिंग पार्ट्स है वो नजर आना शुरू हो गए, कितना अब नीट एंड क्लीन हमारा डॉग के बाल नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको आउटपुट सेटिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्शन हुई भी है ठीक है कोई मसला नहीं है, सिलेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। मैं लेयर मास्क सेलेक्ट करना चाहूंगा, लेयर मास्क क्या करेगा, ओके प्रेस करूंगा तो उसने उसी इमेज के बाद इमेज को लेयर मास्क में डाल दिया। यहाँ पे गलती मैंने ये की थी कि मैंने डुप्लीकेट लेयर नहीं की थी क्योंकि मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल जे प्रेस करूंगा डुप्लीकेट लेयर के लिए और नीचे वाली लेयर में से डिलीट लेयर मास्क कर दूंगा, तो मेरे पास बैकग्राउंड आ गई है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने कुछ भी नहीं किया, बट हमने काफी हद तक काम कर लिया अपना। मैंने क्या कहा था कि पहला टास्क था डॉग को आइसोलेट करना है बैकग्राउंड से, वो हम कर चुके हैं, वो इस लेयर में है। इसको मैं रीनेम कर देता हूं डॉग करके आइसोलेटेड डॉग, पहला काम ये हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट में बैकग्राउंड को दे रहा हूं, अब ह्यू एंड सैचुरेशन पे गया और सैचुरेशन को मैं इसको मैंने डिसैचुरेट कर दिया, दो काम हो गए ठीक है ना। ये काम मैं स्क्रीन दोबारा कर देता हूँ, मैंने जिस लेयर पे मैंने सिलेक्ट करना है, लेट मी डू इट अगेन डिलीट, मैंने बैकग्राउंड को बी जी मी
means background, BG यानी background, isolated dog यानी isolated dog, ये isolated dog है और ये background है. Anyways, मैंने background को black and white करना है, तो मैं background की layer को select करूंगा, इस panel पे जाऊंगा, hue and saturation पे जाऊंगा. hue and saturation पे जाने के बाद ये वाला icon मैं last में click करूंगा. इसका मतलब क्या होता है कि ये effect सिर्फ immediate नीचे वाली layer पे करना है, ऊपर वाली लेयर पे नहीं करना, मतलब उसके बाद वाली लेयर पे नहीं करना. तो ये दोबारा इम्पोर्टेंट है, दोबारा तो आया था. इसको दबाने का मतलब क्या है कि ह्यू इन सेचुरेशन इमीडिएटली नेक्स्ट लेयर पे इफेक्ट होगा. उसके बाद जितनी भी लेयर्स आएंगी नीचे, हमारे पास नहीं है लेकिन नॉर्मल केसेस में होती हैं, उस पर इफेक्ट नहीं करना, जस्ट इमीडिएट नीचे वाली. और डी सेचुरेट करना है तो सेचुरेशन जीरो पे ले जाओ, सॉरी माइनस पे ले जाओ, जीरो पे होती है, आप माइनस पे ले जाएं. तो क्या हो रहा है, अब आप इसके बाल देखें इतनी क्लियर कट उस डिफाइन टूल के साथ, हमारे बाल कंट्रोल डी चलो सिलेक्ट हो गया, कितने नीट एंड क्लियर हमारी सिलेक्शन हुई है, विच इज नॉट पॉसिबल थ्रू लासो टूल, मार्की टूल या इवन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल. तो ये रिफाइन टूल के साथ हमने रिफाइन किया है, रिफाइन एज टूल जो नाम बता रहा है, रिफाइन एज टूल.